एसएल की ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एमटीडी न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं देव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एमटीडी न्यूज चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी पीएसएल निवेशकों को कुछ जरूरी बातें बताने वाला हूँ और आपके कुछ जरूरी सवालों के जवाब भी देने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी के कुछ आए हुए कमेंट के जवाब दे देता हूँ। दोस्तों, मैंने अपनी एक वीडियो में आप सभी को सेबी से बात करते हुए एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई थी। उस वीडियो के बाद मुझसे आप में से कई लोगों ने मुझसे सेबी का नंबर मांगा था। दोस्तों, मैंने उसके बाद एक और वीडियो बना के आप सभी को एक सेबी का नंबर भी दिया था, लेकिन दोस्तों उस वीडियो को हो सकता है आप में से कई लोगों ने पूरा ना देखा हो या हो सकता है देखा ही ना हो। और दोस्तों, उसके बाद भी मेरे पास उस वीडियो पे काफी सारे यह कमेंट आए कि सर प्लीज बताइए कि सेबी का नंबर क्या है, मैं भी बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आप कमेंट देख रहे होंगे, इतने सारे मेरे पास कमेंट आए थे कि सर सेबी का नंबर बताइए, जैसा कि आप ये सब कमेंट पढ़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मुझे दोबारा से ये आपको बताना पड़ रहा है। आप यहाँ पे सेबी का नंबर लिखा हुआ देख सकते हैं, यही सेबी का हेल्पलाइन नंबर है और मैंने इसी नंबर से बात की थी। और अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो दोस्तों, आप हमारे एमटीडी न्यूज चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और साथ ही यह भी पता चल जाएगा कि आपको ब्याज मिलेगा या नहीं, बिल्कुल प्रूफ के साथ। तो दोस्तों, आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें। और दोस्तों, मेरे पास ये भी कमेंट आए थे कि सुप्रीम कोर्ट में पीएसएल केस की अगली तारीख क्या है। तो दोस्तों, आप सबको बता दूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर नेक्स्ट हियरिंग डेट नहीं डाली है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी ये अपडेट नहीं हुआ है। और दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर लास्ट हियरिंग में क्या हुआ, क्या सुनवाई हुई। तो दोस्तों, आप सबको बता दो कि कुछ अहम फैसला नहीं लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने वह तारीख कैंसिल करके नेक्स्ट हियरिंग डेट रख दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर अभी यह अपडेट नहीं किया है। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट हियरिंग डेट क्या रखी है अभी तक हमें यह नहीं पता चल पाया है। लेकिन दोस्तों, सुनने में यह आया है कि 4 सितंबर को नेक्स्ट हियरिंग है, लेकिन दोस्तों अभी ऐसा कोई कंफर्म नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर ऐसा कहीं शो नहीं हो रहा है। और दोस्तों, आप में से कई लोग मुझसे यह पूछ रहे थे कि क्या सुनवाई हुई। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि कोई अहम फैसला नहीं लिया गया। अगर कोई अहम फैसला लिया गया होता तो दोस्तों मैं आपको कब का वीडियो बनाकर बता चुका होता। तो दोस्तों, जैसे ही मेरे पास इसकी कोई सूचना आती है वैसे ही मैं आपको एक वीडियो बनाकर इसकी जानकारी दे दूंगा और आपको हमारे फेसबुक पेज से भी इसकी जानकारी मिल जाएगी। और आते हैं दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात पर। तो दोस्तों, आपको बता दो कि दिल्ली में नेशनल लेवल का धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यह धरना प्रदर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2019 का चुनाव नजदीक आ गया है और ऐसे में अगर धरना प्रदर्शन किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इस धरना प्रदर्शन से आप अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2019 का चुनाव नजदीक आ गया है, तो दोस्तों ऐसे में आपके साथ कई सारे ऐसे नेता भी आपका साथ देने के लिए उस धरना प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हर नेता चाहता है कि उसको पब्लिक का सपोर्ट मिले। और अगर आप दिल्ली में ज्यादा संख्या में एकजुट होंगे और अपनी आवाज उठाएंगे तो अवश्य ही कोई बड़ा नेता आपके साथ खड़ा होगा। तो दोस्तों, दिल्ली में जो आंदोलन होने वाला है उसकी पूरी डिटेल इस पोस्टर में दी गई है। मैं आपको ये पोस्टर पढ़ के पूरा सुना देता हूँ आखिर इसमें क्या लिखा है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर सभी कंपनियों के नाम दिए गए हैं। इन सभी कंपनियों में दोस्तों लोगों के पैसे फंसे हुए हैं और उनको अभी तक अपना निवेश किया हुआ पैसा नहीं मिल पाया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पीएसएल, पीजीएफ, सहारा, साई प्रसाद, केबीसीएल, पिनकॉन, एसपेन, पेशन। तो दोस्तों, अगर आपका पैसा भी इन सभी कंपनी में से एक कंपनी में फंसा हुआ है तो आप प्लीज इस आंदोलन में जरूर शामिल हो। जैसा कि दोस्तों आप यहां पर लिखा हुआ देख सकते हैं, भारत के सभी छोटे बड़े संगठनों को सूचित किया जाता है कि जो आप इन चिट फंड कंपनियों से निवेशकों का भुगतान कराने के लिए अलग अलग व अलग अलग तरीके से लड़ रहे हैं, उन सभी संगठनों से हम हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि वह एकजुट होकर वह एक रणनीति से लड़ें। जैसा कि सर्वोदित है कि हम दिल्ली में नेशनल लेवल का धरना करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम भारत के सभी छोटे बड़े संगठनों के मुख्य पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करना चाहते हैं। हम निवेशकों का पैसा इसी साल दिलवाना चाहते हैं। अगर आपकी भी यही सोच है तो जनहित को ध्यान में रखकर मीटिंग में उपस्थित होने का कष्ट करें।
दिनांक 12 सितंबर, स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब, नई दिल्ली। तो दोस्तों अब मेरी आप सभी से अपील है कि प्लीज आप दिल्ली में होने जा रहे हैं आंदोलन में जरूर शामिल हो। फिलहाल अभी इसकी डेट सामने नहीं आई है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 12 सितंबर को दिल्ली में मीटिंग है उन सभी संगठनों की, और वहीं पे यह निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से आगे की लड़ाई लड़नी है और कब आंदोलन करना है, किस जगह आंदोलन करना है। तो फिलहाल तो दिल्ली में होने जा रहे 12 दिसंबर को मीटिंग में सभी संगठन से निवेदन है कि आप इस मीटिंग में जरूर पहुंचे। और दोस्तों जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, उस वीडियो में अमित गर्ग जी यह बता रहे हैं कि उन्होंने आमरण अनशन चालू किया है फिरोजाबाद में, और दोस्तों यह अनशन अनिश्चितकालीन तक चलने वाला है। उन्होंने इस वीडियो में बताया है कि जब तक कोई सरकार की तरफ से या सेबी की तरफ से कोई बड़ा अधिकारी आकर यह नहीं बताता है कि कब तक पैसा मिल जाएगा और आखिर पैसा मिलने में इतना समय क्यों लग रहा है, इस चीज की जानकारी अगर अमित गर्ग जी को एवं उन सभी निवेशकों को इसका जवाब नहीं मिलता है तो वह इस अनशन को अनिश्चितकालीन तक करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक उनका यह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें। नमस्कार, इस देश के सभी देशवासियों को, ये हिंदुस्तान है और हम हिंदुस्तान की जनता। इस हिंदुस्तान में कहा जाता है कि लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, प्रजा राजा है। हम सभी लोग मिलकर इस हिंदुस्तान की सरकार को चुनते हैं, नेताओं को चुनते हैं। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 4 वर्ष से PSEL पल्स कंपनी को 22 अगस्त 2014 को बंद कर दिया गया था, जिसमें कि लगभग 6.25 करोड़ निवेशक आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अपने पैसे के लिए हिंदुस्तान के लोकतंत्र में ऐसा कोई भी दरवाजा नहीं है ना जो खटखटाया हो। सुप्रीम कोर्ट, सेबी, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ऐसा कोई भी दरवाजा नहीं बचा जहां हमने अपनी बात न पहुंचाई। चिट्ठियों के माध्यम से, ज्ञापनों के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, पोस्ट कार्ड के माध्यम से, जंतर मंतर पर आंदोलन के माध्यम से, लेकिन बड़ा कष्ट होता है कि हम इस लोकतंत्र में जहां रहते हैं हिंदुस्तान में, वहां हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। और आज इन सबसे व्यथित होकर आज हम एक निर्णय ले रहे हैं। गांधी पार्क फिरोजाबाद में मैं अमित गर्ग एडवोकेट, जिस लड़ाई को हम 4 साल से लड़ रहे हैं लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी, तो अब इस हिंदुस्तान में हमारे पास अपनी बात रखने के लिए इस निर्णय के अलावा कोई भी विकल्प शेष नहीं है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आज इस निर्णय को सर्वसम्मति से ले रहा हूं कि मैं अमित गर्ग अपनी स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के इस फिरोजाबाद के गांधी पार्क मैदान में आज से और अभी से एक आमरण अनशन पर बैठ रहा हूं, और तब तक बैठा रहूंगा इस आमरण अनशन पर। यह बात हिंदुस्तान की जनता तक पहुंचाई जाएगी कि जब तक इस फिरोजाबाद जिले के जितने भी जनता के प्रतिनिधि हैं वो यहां पर आकर हमारी बात को नहीं सुनेंगे कि हम यदि गलत हैं तो क्यों गलत हैं और सही हैं तो आपने आज तक हमारी आवाज क्यों नहीं उठाई। मैं अमित गर्ग आज यहाँ आमरण अनशन पर बैठ रहा हूँ, और सिर्फ इसलिए कि जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो आकर हमारी बात सुने, जिन्हें ये देश चुनता है, ये जनता चुनती है, जिन्हें अपना नेता मानते हैं, क्योंकि आज तक हमारी आवाज किसी ने भी नहीं उठाई। तो मैं सभी इस हिंदुस्तान की मीडिया को, फिरोजाबाद जिले की मीडिया तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ गांधी पार्क में अपना आमरण अनशन शुरू करने जा रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दें ताकि शायद मेरे बलिदान से इस देश के, हिंदुस्तान के पल्स के साथ साथ जितनी भी कंपनियां हिंदुस्तान में सेबी ने बंद की, जिनका घर उजाड़ा, जिन एजेंटों का रोजगार छीना, उन सबको न्याय मिल सके, चाहे इसमें मुझे अपना बलिदान कौन देना पड़े। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी निवेशकों तक इस खबर को फैला दें, चाहे वह किसी भी कंपनी के हो। अपने फेसबुक पर और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह खबर पहुँच पाए। तो गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और भी नई जानकारी के साथ।
जय हिंद, वंदे मातरम। DSL की ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए MTD न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।